Welcome you all on Mahare Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to discuss the part second of metaphor. Okay, in part first, हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटाफर क्या है, मेटाफर किस तरह का कंपैरिजन है. अब आज पार्ट सेकंड में हम काइंड्स ऑफ मेटाफर देखेंगे. तो कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि मेटाफर क्या है. मेटाफर सिमिली के जैसे ही एक कंपैरिजन है, जिसमें लाइक एज और एज जैसे जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाते. ओके, तो मेटाफर को इन हिंदी क्या बोलेंगे, रूपक. जैसे हिंदी व्याकरण में रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे अलग अलग अलंकार होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में जो अलंकार है, जो ऑर्नामेंट्स है किसके, ग्रामर के, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे मेटाफर बोलेंगे. इससे पहले हमने सिमिली को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था. ओके, सो आज हम काइंड्स ऑफ मेटाफर के बारे में अच्छे से जान लेंगे. सबसे पहले एक बार हम इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमको मेटाफर की जो डेफिनेशन है वो एक बार वापस रिमाइंड हो जाए. मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन. मेटाफर क्या है, एक इम्प्लाइड कंपैरिजन है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन है ये. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे वापस क्लियर कर लेंगे. कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एंड इन दिस कंपैरिजन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज आर नॉट यूज्ड. यानी ये एक इस तरह का कंपैरिजन है जहाँ पे कंपैरिजन है, तो जैसे कि सिमिली में कंपैरिजन हुआ था नॉन लिविंग का लिविंग थिंग के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होने वाले वो एकदम से अलग होने चाहिए. ओके, तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होने चाहिए, एकदम डिफरेंट होने चाहिए. डिफरेंट थिंग्स क्या, फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. एंड दिस कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन के वर्ड्स है कौन कौन से, लाइक एज और एज इज, वो यूज नहीं होने चाहिए. ओके, तो वो यूज नहीं होते हैं, यही क्या है, मेटाफर है. जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था, He was as brave as a lion. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे comparison के जो words है as ये use हुए ना, तो ये क्या हो गई, ये simile हो गई. क्योंकि यहाँ पे सिमिली और मेटाफर में यही तो फर्क है. सिमिली में तो कंपैरिजन के लिए जो कंपैरिजन वर्ड्स है वो यूज किए जाते हैं, और मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है इन वर्ड्स को यूज किए बिना. तो ही वॉज ए लायन. इसमें ये नहीं बता रहे कि वो ब्रेव है लायन की तरह, उसे सीधा ही बता दिया कि वो तो क्या था, एक शेर था. तो इसका मतलब यही है, इसके अंदर जो अर्थ निहित है वो तो यही है ना कि वो ब्रेव था तभी वो लाइन था. ओके, तो कोई इंसान लाइन तो हो ही नहीं सकता, उसकी जो कैपेसिटी है वो लाइन के जैसे थी, वो ब्रेव था लाइन के जैसे. ओके, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है. तो आपको जो चीजें कल क्लियर नहीं हुई थी, आई होप आपको वो चीजें आज क्लियर हो जाए. मैंने एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को कवर करवाया, एक बार फिर से आपको मेटाफर की डेफिनेशन को अच्छे से बताया. अब हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ मेटाफर के बारे में. तो फर्स्ट काइंड है डेकोरेटिव मेटाफर. ओके, फर्स्ट काइंड ऑफ मेटाफर है डेकोरेटिव मेटाफर. सेकेंड काइंड है फंक्शनल और ऑर्गेनिक मेटाफर. ओके, तो सेकेंड टाइप हमने देख लिया है फंक्शनल और ऑर्गेनिक मेटाफर, जिसे स्ट्रक्चरल मेटाफर बोले तो भी गलत नहीं होगा. थर्ड है डेट मेटाफर. फोर्थ है मिक्स्ड मेटाफर. कल हमने एक शेक्सपियर की फेमस जो पोइम है, जिसमें शेक्सपियर ने पूरे संसार को क्या बताया, एक स्टेज बताया है, और हम सब जो क्रिएचर्स है
इस संसार के उन्हें क्या बताया, इसके मेनली प्लेयर्स बताया, तो वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया था। ओके, तो उस एग्जांपल के थ्रू तो हमें एकदम ही क्लियर हो गया कि मेटाफर क्या है। अब हम इन्हीं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट इसका काइंड है वो है डेकोरेटिव मेटाफर। डेकोरेटिव मेटाफर फिर है फंक्शनल और ऑर्गेनिक, फिर डेड मेटाफर और फिर मिक्स मेटाफर। ठीक है, ये बात हमने एक बार फिर से रिपीट कर लिया था कि हमें ये याद रहे। वैसे तो ये सारे जो टाइप्स हैं वो हमसे नहीं पूछे जाते, पर हम किसी भी कंपटीशन के आगे तैयारी करते हैं और हमारा सब्जेक्ट लिटरेचर है तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये फिर जैसे कोई भी ऑप्शन में या फिर कोई भी एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो डेकोरेटिव मेटाफर इट search to decorate the language and which can be expressed in other ways also. इसके example है she pop stage. Okay, तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। बहुत ही easy मैंने definitions आपको ये लिखवाई है ताकि आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए। functional और organic metaphor क्या होता है? When a metaphor conveys a complex feeling of thought and which cannot be expressed in any other way. Okay? So, Shakespeare says, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शेक्सपियर की कही बात है ये, poor soul, the contour of my sinful earth. Okay, so ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डेड मेटाफर की ओर। डेड मेटाफर तो बहुत ही ईजी है कि कोई भी जो डेड थिंग है यानी कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग से ऐसे कंपेयर किया जाए कि उसके हाथ है, उसके पैर है, उसकी कमर है। ठीक है, तो ये सारा उस डेड मेटाफर में आ जाता है। ओके, इट इज प्रिम एंड एक्सट्रीमली कॉमन, बहुत ही कॉमन है ये। फॉर एग्जाम्पल द आर्म ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, तो ये किसके हैं? डेड मेटाफर की एग्जाम्पल्स है और डेड मेटाफर भी हमें क्लियर हो गया। अब है फोर्थ टाइप, इसका लास्ट टाइप जो है वो है मिक्स्ड मेटाफर। इन दिस टू एलिमेंट्स, इन दिस मेटाफर टू एलिमेंट्स आर स्ट्रेंजली डिपार्टिंग। ठीक है, टू एलिमेंट्स बहुत ही डिपार्ट होते हैं इसमें। ओके, एंड शेक्सपियर एंड मिल्टन यूज दिस काइंड ऑफ मेटाफर। शेक्सपियर और मिल्टन ही सबसे ज्यादा इस प्रकार के मेटाफर को अपनी पॉइंट्स में और अपने वर्क्स में यूज किया है। इसका एग्जांपल है टू टेक आर्म्स अ सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग एंड देम। ओके, तो हमने मेटाफर के जो फोर काइंड्स है वो भी कंप्लीट कर लिए, मेटाफर क्या होता है वो भी अच्छे से जान लिया। इसके अलावा भी अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो मेटाफर में या फिर और भी मैंने जो लिटरेरी टर्म्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई है उनमें, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई लिटरेरी टर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।